सभी को, मेरा नाम माजी चौकर है और मैं ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट का कन्वेनर हूँ। और मेरा राइट साइड पे है रिकार्डिनी और लेफ्ट साइड पे है ताई सक्टर। हम लोग 5 तारीख मार्च को एक रैली निकाला था ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट के नाम से। तो आज हम लोगों ने सीएम साहब को, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी को मिला है, मिलके अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है। मेमोरेंडम लंबा चौड़ा नहीं, एक सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम था कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट में भेजे सीएस के थ्रू कि जितना भी यहाँ में शोषण हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है रिलीजन के नाम पे, तो उसको रोकने के लिए हमें आवेदन हमने सीएम साहब को दिया है। और सीएम साहब भी काफ़ी सपोर्टिंग मूड में थे और आश्वासन भी दिया है कि इसको सीरियसली इसको लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, ये एक्ट को, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को। तो अच्छा था आज का डिस्कशन सीएम साहब से, बहुत पॉजिटिवली उसने रिस्पॉन्स भी किया है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपील भी करना चाहता हूँ कि हमारा जो रैली में जो हम लोगों को साथ दिया था, जितने भी मोर देन 5000 लोग आया था हमारा रैली में, तो उन लोगों के सब लोग पूछ रहा है कि हमारा रैली का मूवमेंट का अपडेट कैसा है, अभी क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा मूवमेंट अभी सीएम साहब से मिला है और उसने पूरा फुल सपोर्ट भी देगा बोल रहा है, और आगे भी हम लोग ये मूवमेंट, ऐसे ये मूवमेंट बोल के नहीं, एक अवेयरनेस था, ये एक्चुअली एक हमारा अवेयरनेस था कि हमारा बाहर में इतना ज़्यादा ये मल्टी जो रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक प्रकार का जो बराबर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा इंडिजिनस फेथ को धीरे धीरे दिमाग की तरह मतलब मिसगाइड कर रहा था। तो हम लोगों को लगा कि ये गलती किसी और का नहीं, हम दूसरों को गलती क्यों ठहराए, ये हमारा आपस का अपना अंदर में एक जागृति नहीं होने का कारण से हो रहा है। तो इसलिए हम लोग सोचा है कि एक अवेयरनेस के तौर पे हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमारा ट्राइबल क्या है और हमारा कल्चर क्या है, तो हमारा फेथ को कैसे हम लोग प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके कैसे रखेगा बोल के एक अवेयरनेस था, एक मूवमेंट का रूप में दे के हम लोग उसको एक रैली कराया था। तो ये है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई किसी का अगेंस्ट में नहीं है, ना किसी, कोई लोग बोलते हैं ये चर्च का अगेंस्ट में है, कोई बोलता है हिंदू का अगेंस्ट में, मुस्लिम का अगेंस्ट में, किसी का अगेंस्ट में नहीं है, ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट में है, ना किसी लीडर या इंडिविजुअल का अगेंस्ट में था ये मूवमेंट जो है, रैली जो है, ये हमारा एक, हम लोग एक डिप्राइव सोसाइटी किसको ये कर सकेगा, हम लोग अगेंस्ट कर सकेगा, ये हमारा एक अपना अवेयरनेस लाने के लिए, एक अपना दुख दर्द को इतने सालों से जो था उसको बयां करने के लिए एक अवेयरनेस था, मूवमेंट था। पहले, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा मूवमेंट है वो किसी का अगेंस्ट में नहीं है। मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि हम लोग अपना अधिकार हक को मांग रहे, जो ऑलरेडी हम लोग को हमारा पूर्वजों ने, जो हमसे आगे जो विजनरी पूर्वजों ने जो हमें दे के रखा है और असेंबली में भी पास करके रखा है, अभी का सरकार को बस इतना ही करना है कि आप इसको रूल बना के डीसी को गाइडलाइंस बना के भेजना है। ये मेरा पहले बात है। और दूसरी बात क्या है कि स्टेट का अंदर में पूरा एक ऐसा माहौल बना रहा है कि अभी कई लोग कि ये जो है एक पार्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है, ये किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन करने का काम है। आप अगर, मैं भी इंडिजीनियस हूँ, अगर मैं भी बुद्धिज्म बोलने से आकर इंडिजीनियस है, मैं जाना चाहता हूँ, उसमें भी उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर आप सब कुछ ईमानदार से काम कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक से काम कर रहा है, आपको डीसी के सामने में एफिडेविट या रजिस्टर मेंटेन कराने में डर किस बात का। मेरा जो है पहलो अरुणाचलियों से और बाकी जितना भी यहाँ में रह रहे हैं, अलग अलग जगह से जो आए हुए जो लोग हैं, जो हमारे फेलो इंडियंस भी है, उन सभी से भी मैं यही पूछता हूँ, हमें किसी भी बात का यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और
अगर आप सही है तो आपको डरने का भी आवश्यकता नहीं है, हम सही है तो हम किससे डरना चाहिए। ये जो एक्ट है आज से कितना 40 साल पहले हो चुका है, गेजेट पास हो चुका है ना गेजेट में, तो लेकिन आज का 40 साल से ज़्यादा होने के बाद भी ये जो एक्ट है स्टेट में इसको इसके लिए गाइडेंस नहीं बनाए, तो पिछला सरकार में क्या रहा होगा, क्यों नहीं बनाया होगा, उसका तो मसला तो कुछ और था होगा। तो हम ये सरकार से उम्मीद करता है कि ये इस जो एक्ट है इसको स्टेट में गाइडलाइंस बना करके इसको किसी भी हाल में एक ये मतलब एक्ट को लागू कर देगा। ये हमारा सरकार से ये हमारा और हम यही चाहते हैं कि अब हमारा ये बातों को अनसुना नहीं करेंगे।